अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ जॉर्डन नॉर्थ साइप्रस से। पहुँचता हूँ, देखता हूँ, अगर वीज़ा देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो नुकसान होगा, टिकट्स का तो नुकसान होगा होगा, मेरा जो जॉर्डन पास मैंने 7,000 रुपये का लिया है वो नुकसान हो जाएगा। जो जी पहुँच चुका हूँ जॉर्डन एयरपोर्ट पे, अभी इमिग्रेशन करवाता हूँ, देखता हूँ एंट्री मिलती है कि नहीं। एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को यहाँ रोक दिया गया है, एक्चुअली वीज़ा देने से मना कर रहे हैं। इनसे पानी मांगा था मैंने, इन्हें पानी तक नहीं दिया, कहते पानी है ही नहीं है, वो स्टैंप लगेगी, दूसरी तरफ नीचे जाओगे तब पानी मिलेगा आपको। लो जी चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा एंट्री मिल चुकी है। अब कैसे मिली एंट्री 10 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद, वो मैं आपको थोड़ा सा बाहर जाके बताता हूँ, पहले मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। 10 घंटे मेरे को बिठाए रखा, 11 बजे अभी रात को 1 या 1:30 बजे आया था मैं। तो हुआ क्या, जब मैं एयरपोर्ट जॉर्डन एयरपोर्ट पर पहुँचा अमान में, हमारी एक अलग लाइन बना दी गई और एकदम गेट पर ही जब हम जहाज से बाहर निकले तो वहाँ एक PCR टेस्टिंग के स्लॉट्स बने हुए थे। मेरे ख्याल से 10 मिनट लगे वहाँ खड़े होने में और टेस्ट करवाने में, फिर उसके बाद आगे भेज दिया। मैं सोचा कि मुझे सीधा इमिग्रेशन में जाना है, इमिग्रेशन के काउंटर बने हुए थे क्योंकि इमिग्रेशन से ही वीज़ा मिलता है हमेशा, तो इमिग्रेशन वाले काउंटर पे गया और वहाँ उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ दूसरी जगह, एक वीज़ा का काउंटर है, पहले वहाँ से वीज़ा लेकर आओ जो ऑन अराइवल आपको मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ इमिग्रेशन में आना। वीज़ा वाले फिर काउंटर पे गया और फिर वहाँ उनको मैंने पासपोर्ट दिया, कहते कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से, तो कहते आपके पास कोई रेजिडेंटशिप है किसी और कंट्री की, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर कहते कोई और वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे किसी शेंगन का या USA का, मैंने कहा नहीं, तो फिर उसके बाद मुझे कहते आओ मेरे पास, मेरे साथ आओ, तो मैं उनके साथ चला। पुलिस वाले, एक रूम था पुलिस वालों का, उसके अंदर ले गए, एयरपोर्ट की पुलिस थी, वही इमिग्रेशन के एकदम साथ में रूम बना हुआ था। तो उस पुलिस वाले ने फिर पूछा मुझसे आपके पास कोई और सिटीजनशिप है, यही पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने कहा नहीं, कहते ठीक है आप बाहर वेट करो, बस मैं बाहर बैठ गया। उसके बाद फिर मैं 5-10 मिनट बाद खुद उठ के अंदर गया, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या भाई साहब, क्या इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता क्या यहाँ, कहते आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है तो इसलिए आपको सुबह 8 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, हमारे चीफ आएंगे और फिर वो आपसे बात करेंगे, जो एयरपोर्ट का जो चीफ होगा। तो मैंने कहा कि पर आपकी वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है कि वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन को 30 दिन के लिए, कहते लेकिन उसके साथ आपको मिनिस्ट्री की कंफर्मेशन भी चाहिए, और मैंने कहा वो कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है, कहते हमारी मिनिस्ट्री से, तो मतलब उनका अप्रूवल चाहिए कि हाँ पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ और मुझे अप्रूवल दो, मुझे वीज़ा मिलेगा एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा करके। मैंने कहा लेकिन आपकी वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, उधर तो सीधा लिखा है डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल, कहते आप सीधा बाहर जाके बैठ जाओ। बस उन्होंने मुझे कहा बाहर बैठो, सुबह 8 बजे हमारे सीनियर आएंगे जो एयरपोर्ट की हेड हैं, जो यहाँ के चीफ हैं पुलिस डिपार्टमेंट के या जो भी है। तो भैया 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, अब बड़ा डिप्रेसिंग था बैठना, ऑब्वियसली मैं तो मान के बैठ रहा था कि भैया मुझे डिपोर्ट करेंगे सुबह 8 बजे आके। तो सुबह के 4-4:30 बजे प्यास लगी मेरे को, मैंने उनसे अंदर पुलिस वाले को मैं कह यार पानी मिलेगा थोड़ा सा, तो पहले तो कंफ्यूज हो गए, तो कहते ओके 2 मिनट वेट करो। उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो अंदर कमरे से आया, तो उसके बाद उसने इधर उधर देखा, वे मुझे कहता सॉरी नो वाटर। लो जी मतलब अब मैं, ये एक्सपीरियंस है मेरा आपके सामने जो जो हुआ, मैं बगैर पानी के बैठा हूँ रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे आना था, उन्होंने 8 बजे नहीं आए, 9 बजे नहीं आए, 9:30, 10 बजे जाके उनका सीनियर बंदा आया, सुबह 10 बजे तक मैं बगैर पानी के बैठा हूँ। अब ये हालत देखो मेरी, मतलब पुलिस वालों का रूम है उसके बाहर बैठा हूँ। अच्छा फिर बीच में पता कि वो सुबह 5:30 बजे मेरे साथ 2 बंदे और बिठा रखे थे, ठीक है, पुलिस वाला आया और उनके पास आया पासपोर्ट लेके, मेरा पासपोर्ट तो उन्हीं के पास था, उन्होंने अपने पास ही रख लिया था, तो उनका पासपोर्ट भी पुलिस वालों के पास था, तो लेकर आया पासपोर्ट, उनको कहता चलो उठो वापस जहाज़ की तरफ चलो, तो कहते हमारा बैग है तो यहाँ पड़ा हुआ है, कहते उसकी चिंता मत करो वो आ जाएगा, तुम मतलब उनको डिपोर्ट करके लेके जा रहे थे वापस। तो वहाँ सुबह 5:30 बजे मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी भी अब अगला नंबर मेरा है, सुबह 8-9 बजे मुझे डिपोर्ट कर देंगे। तो सुबह 10 बजे उनका सीनियर आया, फिर अंदर से आवाज़ आई इंडिया, तो उन्होंने फिर जो सीनियर अंदर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा, कहते कहाँ क्या काम करते हो, मैं कहा दिल्ली में हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो कहते अच्छा यहाँ क्यों आए हो, मैंने कहा यहाँ घूमने आया हूँ, वापसी कब की है, 29 तारीख की वापसी है, 8-9 दिन के लिए आया हूँ, ये मेरा जॉर्डन पास है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे दिखाए। तो उसके बाद फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं यूट्यूब पे
ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, उनको मैंने चैनल दिखाया तो एकदम देख के वो मामला ही बदल गया। वहाँ जब मैंने उनको चैनल दिखाया तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, बड़े खुश हुए देख के। फिर उन्होंने उनको मैंने बताया कि अभी 12,500 सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन व्यूज़ हैं चैनल पे, तो बड़े इंप्रेस हुए देख के। उसके बाद तो मुझे लगता है उनका मामला ही वो शायद वो जो चैनल की वजह से बदला। उसके बाद फिर माहौल इतना लाइट हो गया, जो उनके सीनियर ऑफिसर थे वो भी बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी तो मैंने वहाँ वीडियो प्ले करके रख दी टेबल पे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने उस साथी को, जो भी उनके साथ जो खड़े थे बंदे पुलिस वाले, उनको कहा कि फॉर्म लेकर आओ, एक स्पेशल वीज़ा फॉर्म। हाथ से उन्होंने वीज़ा लिखा, हाथ से उन्होंने मेरे सारा डिटेल मांगी कि रिटर्न टिकट मांगी, जो मेरी बुकिंग कंफर्मेशन थी वो सारी मांगी, वो उन्होंने मुझसे वो सारी ली, हाथ से लिखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे वीज़ा दिया 10 दिनों का। तो फिर उसके बाद कहते ये वीज़ा लेकर वीज़ा काउंटर पे चल जाओ और आपको वीज़ा मिल। वीज़ा काउंटर पे गया, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लिख दिया, मतलब स्टैम्प वीज़ा था, हाथ से लिखा और साथ में लिख दिया 10 दिन का। खैर मुझे एंट्री मिल गई, तब तो यही बड़ी खुशी की बात थी और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। खैर उसके बाद फिर मैं वहाँ चला गया वापस इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन हुआ और उसके बाद मैं नीचे आ गया फिर। तो खैर ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप जॉर्डन आ रहे हो ना, पहली बात तो आप मन में मान कर आओ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इमिग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आपको थोड़ा सा ग्रिल किया जाएगा, लेकिन प्रिपेयर होकर आओ। बाकी पता नहीं वीज़ा ऑन अराइवल, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने मेरे को इमिग्रेशन वालों ने कहा था कि अप्रूवल चाहिए। अब मेरे केस में स्पेशल केस दे दिया मेरे को कि मेरे को वीज़ा दे दिया या अप्रूवल चाहिए चाहिए, वो आपके सामने है। अब पता नहीं, आप मेल डाल के पूछ सकते हो जॉर्डन एम्बेसी को कि वीज़ा सीधा मिल जाएगा कि कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत है अगर आप आना चाहते हो जॉर्डन। तो बस ये था, अगर आप आते हो तो साथ में एक सजेस्ट करता हूँ, जॉर्डन पास ज़रूर लेकर आओ, बड़ा फ़ायदा होगा। 70 दिनार का पास है, उसमें 40 दिनार आपकी वीज़ा फ़ी कट जाएगी और बाकी 30 दिनार में पूरे जॉर्डन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट मिल जाएंगी। और आपको पता है पैतरा अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली पैतरा तो जाओगे, जॉर्डन आओगे, उसकी टिकट ही 50 दिनार है, बाकियों की 10 दिनार है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, किसी की 5 दिनार है, किसी की 7 दिनार है, किसी की 3 दिनार है। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकर आओ, उससे इंप्रेशन भी बनता है कि बंदा पता लगता है कि टूरिस्ट है, टूरिस्ट के मामले में ही आया और यहाँ इसके बाद यहाँ से चला जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने लाइक किया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।